हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों के एग्जाम किस महीने शुरू होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे परीक्षाओं को लेकर क्या जानकारी मिली है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बात करेंगे। पहले उम्मीद थी कि आयोग के द्वारा जल्द से जल्द एजेंसी फाइनल कर ली जाएगी और जून में परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से सब बेकार हो गया है। कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर रोजगार और स्टूडेंट पर ही क्यों होता है? तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, परीक्षाएँ स्थगित कर दी जाती है, ज्वाइनिंग रोक दी जाती है और रोजगार छीन लिए जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो भर्ती 2018 का एग्जाम कराया जाएगा, इसमें लगभग 14 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो भर्ती 2018 का एग्जाम सबसे पहले कराया जाएगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से अगस्त से पहले परीक्षाएं होने की संभावना नहीं है। जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी वो परीक्षा वीडियो भर्ती 2018 की परीक्षा होने के बाद होगी। तो फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन एंड संघ की अधिकारी भर्ती, इन भर्तियों की परीक्षा भी अगस्त से पहले नहीं हो पाएंगी। तो देख लेते हैं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें कहा गया है बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति की वैक्सीन। पिछले साल भी टली थी भर्तियां, तो पिछले साल भी भर्तियां टली थी और इस साल भी भर्तियां टाली गई हैं। संक्रमण का ग्रहण, 60,000 नौकरियां अटकी, 40,00,000 युवाओं के सपने क्वारंटाइन। तो जाहिर सी बात है भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, भर्तियां रोक दी गई हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है संक्रमण कम होने पर भी अगस्त से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावना नहीं है। तो अगस्त से पहले परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी ये कहा गया है, जबकि संक्रमण कम होने के बाद भी। तो जाहिर सी बात स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशान स्टूडेंट हो रहा है, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो आगे देख लेते हैं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं, पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री पुनीत त्रिपाठी ने कहा कि पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों में संक्रमण फैल रहा है, कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित करने की मांग की है। फेडरेशन के प्रवक्ता सीपी श्रीवास्तव ने मांग की कि ऐसे हालात में कर्मचारियों की मौत पर आश्रितों को 50,00,000 रुपए मुआवजा के अलावा परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो जैसा चुनाव ड्यूटी में जिसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसके लिए उनके घर वालों को 50,00,000 रुपए दिए जाए मुआवजा के रूप में और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये बात बिल्कुल सही की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, यूपी की स्थिति बहुत खराब है। तो आगे बात कर लेते हैं, इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें कहा गया है इप्सैक ने उठाई पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। पीएम व चुनाव आयोग को भेजा पत्र, कहा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों में तेजी से फैल रहा संक्रमण। तो चुनाव से बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसमें कहा गया है इप्सैप ने यूपी में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही प्रधानमंत्री व चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की है। तो पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की जा रही है। इप्सैप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद ने प्रधानमंत्री एवं चुनाव आयोग को फिर पत्र भेजकर आग्रह किया है कि पंचायत चुनाव को तत्काल रोका जाए। तो तत्काल रोकने की बात की गई है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है।
पदाधिकारियों ने कहा जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कर्मचारी चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ हो गया तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा। जिन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है उन कर्मचारियों की मौत पर उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर है। जाहिर सी बात, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है तो उनके परिवार का क्या होगा, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए कहा गया है, इप्सैप की मांग है कि मृत कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, पारिवारिक पेंशन और मृतक आश्रित को नौकरी एवं समस्त देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए। तो कहा गया है तत्काल भुगतान के लिए भी कहा गया है। तो आगे देख लेते हैं, लेकिन किसी को भुगतान नहीं किया गया है जबकि निर्णय हो चुका है। महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि पदाधिकारियों की रविवार को बैठक बुलाई गई है जिसमें कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालने या न डालने तथा लंबित मांगों के संबंध में आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। संगठन के सचिव अतुल मिश्रा ने भी सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो इसमें जो कहा गया है सही कहा गया है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, दिन पर दिन स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और 50% कर्मचारी कार्यालय जाकर काम कर रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में कोविड-19 की वजह से काम सही से नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है और परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, आप देख ही रहे हैं इंटरव्यू रोक दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग रोक दी गई है, स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो फिर पंचायत चुनाव स्थगित क्यों नहीं किए जा रहे हैं जबकि चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है लेकिन फिर भी चुनाव स्थगित नहीं किए जा रहे हैं। तो चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है जिससे स्थिति बहुत खराब हो रही है। जबकि सरकार से कहा जा रहा है कि चुनाव स्थगित किए जाएं, इसकी मांग में तेजी भी हो रही है लेकिन पंचायत चुनाव स्थगित नहीं किए जा रहे हैं। जबकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आपने देखा है 12th के हाई स्कूल की और प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रोक दिया गया है, ज्वाइनिंग भी रोक दी गई है लेकिन पंचायत चुनाव स्थगित नहीं किए जा रहे हैं। जबकि मांग भी की गई है, जो कर्मचारी की मौत हो जा रही है उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की मांग की गई है और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। जबकि आपने अभी देखा है, इसमें मैंने आपको बताया ही था कि तत्काल भुगतान के लिए कहा गया है लेकिन तत्काल भुगतान नहीं किया जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, स्टूडेंट की स्थिति भी बहुत खराब है, स्टूडेंट बहुत परेशान हो चुका है क्योंकि स्टूडेंट की उम्मीद थी कि जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और कई भर्तियों के जून जुलाई मई में ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद थी। मैंने आपको बताया ही थी कि AGTE की उम्मीद थी कि मई में ज्वाइनिंग मिल जाएगी और कैंप सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग मई में मिलनी थी लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से और कोविड-19 की वजह से कोई भी किसी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट बहुत परेशान हो गया है। जबकि कहा जाता है कि कोविड-19 की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है लेकिन भर्तियां स्थगित की जा रही हैं लेकिन पंचायत चुनाव स्थगित क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।